Now let's see question number 7. If the difference of mode and median of data is 24, difference of mode and median, क्या मतलब है इसका? Mode minus median equals to 24 है. Then the difference of its median and mean, difference of its median and mean, ये हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इनका रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन का. 2 टाइम्स मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन होता है. अब ये हमारे पास गिवन है, यहां पर मोड की वैल्यू यहां से निकालकर पुट कर देते हैं. मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन, ये 2 टाइम्स मीन दूसरी साइड जाने के बाद माइनस 2 मीन हो जाएगा. अब मोड की जगह पर ये पुट करते हैं, यहां पर मोड की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस मीडियन एज इट इज. अब ये किसके इक्वल है? 24 के. अब यहां से 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन कितना हो जाएगा? 2 मीडियन, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 24. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मीडियन माइनस मीन की. अगर यहां से मैं 2 को कॉमन लूं तो क्या आएगा हमारे पास? 2 टेक कॉमन आउट, अंदर क्या बचा? मीडियन माइनस मीन, यही बचा, इक्वल्स टू किसके है? 24. तो अगर मीडियन माइनस मीन की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद यहां पर स्टेप कर रही हूं, मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, 2 2 12 2 24, सो 12 इज आर आंसर. इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये ए ऑप्शन.